हेलो एवरीवन, मैं देवेश, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले कुछ दिनों से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट्स कर रहे हैं, उसी को आगे लेकर चलेंगे। पिछले दिनों अभी आरआरबी का भी एग्जाम हुआ है, उसमें जो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब पिछला जो भी आरआरबी एग्जाम हुआ है उसमें जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सभी क्वेश्चन में छांट के निकाला हुआ हूँ, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ देखिए, मैं क्वेश्चन को ऐसा लिखते चले जाऊंगा, फिर उसको हम लोग क्या करते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, बिल्कुल देखिए, उसी के हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट है उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्या दिया है, ये जो भी दिया है इसमें क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, ये भी जो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। उसमें कुछ ईजी रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे, ज्यादातर तो ईजी लगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सिंपल एडिशन करना है, फ्रैक्शन का सब एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए। इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए माइनस कॉस बी, एज इट इज लिखा हुआ हूं, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में मैं लिख लेता हूं। साइन ए ये हो गया माइनस साइन बी, ये ऐसा लिख लिया। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से आप देखेंगे, ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर यहां पे बी, ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस को मैं प्लस लिख लिया, और ये भी वैसा ही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये ऐसा मैं लिख लिया, ठीक है। जगह कमी छोटे छोटा मैं लिख रहा हूं, ये ऐसा कर लिए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिख सकते हैं, वैसे ही कर लेते हैं हम लोग, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो सॉल्यूशन में करके बता रहा हूं, थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में आप रहेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आंसर कैसे आने वाला है, ठीक। ये माइनस है, माइनस को मैं कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर बी, वैसे ही हो जाएगा अंदर में, प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि मैं माइनस को कॉमन लिया हुआ हूं। और ये जो नीचे में है मैं उसको कॉपी नहीं कर रहा हूं, ये जो भी नीचे में लिख लेंगे, ठीक है, कॉपी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। यहां देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, और वैसे ही यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो भी है, या अल्फा बीटा जो भी दिया हो, दोनों का वैल्यू सेम है, तो वन और वन, और वन और वन क्या आ गया यहां से जीरो, और जीरो यहां पे बाई में कुछ भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो होता ही ऐसी है, ऊपर को तुरंत सॉल्व किया, यहीं से हमको पता चल जाएगा जीरो आए, वन और वन आने वाला है तो जीरो आएगा, दैट्स ऑल। अपने को पूरा सॉल्यूशन तो करना नहीं एग्जाम में, इसमें देखते हैं इसमें कैसे करना है, इसमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख लिया, और वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये सब मैं पहले के पार्ट्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। ये ऐसा कर लिए, प्लस 17 इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है यहां तक, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये 17 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से, यहां मैं ऐसा लिख लेता हूं, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 18। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा 18 का स्क्वायर पूछा हुआ है, 18 इंटू 18 हो जाएगा ये 324, ये आंसर हो जाएगा। देखो बहुत आसान है ये, बस एक चीज जानना है, बन गया। और ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं दिया हूं, अभी हाल ही में जो आरआरबी का एग्जाम हुआ है उसमें ये सब पूछा गया है। कई लोग क्लेम करते हैं सर आप इजी इजी पढ़ाते हैं, ये सब का जमाना चला गया है, ऐसा ऐसा करके कमेंट किए रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दिला रहे हैं। चलिए अभी और बहुत सारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर में उसको बना बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैं लिख लिया हूं। अच्छी बात यह है, ध्यान नहीं देना इस क्वेश्चन में, कि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा ही पूछा गया था, मतलब जितने भी उसमें शिफ्ट हुए थे उसमें बहुत सारे शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरी बात, ऐसा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सब में, मैं जितना देख पाया हूं सब में, ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन है, ये जो दिया हुआ था वही आंसर था, वही के मतलब इसका आंसर क्या 3 आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है 3.6 आने वाला है, पूरा वैसा ही था। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा वो, बहुत ईजी है ये तो, sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, यहां से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा मैं कर लिया माइनस वन, कुछ नहीं बचा तो माइनस वन, ये इक्वल टू 3 तो इक्वल टू 3 है, ये ऐसा मैं रख लिया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा,
तो मैं इसको लिख लेता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये इसको लिखा हुआ मैं, ठीक है। और इससे किसको थीटा माइनस वन है, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, फिर से 10 स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ये तो बेसिक फार्मूला को मैं यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू 3 हो गया, ये इतना हो गया। चलिए इधर देख लेते हैं, हम मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कितना, इधर ये 3 का 3 लिख लेता हूं। आप ध्यान से देखेंगे कि यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देखो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो ऐसे जितना भी क्वेश्चन थे उसका आंसर वही था, ठीक है। अब कई लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर तो वही था। चलिए देखते हैं, इस टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन है, सबको मैं बताऊंगा, इसको भी चल लेते। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालेंगे, ये बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, यहां सीधा पूरा बाहर आ गया, प्लस वन इज इक्वल टू आ गया ये 3.6, क्या आ गया ये 3.6, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। कुल मिला के कोशिश करना है कि ये जो भी दिया हो ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, अब ये कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक में चेंज करना है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखो सब चेंज हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये ऐसा हो गया 3.6, तो 3.6 है ही, नो चेंज, ठीक है। अभी देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा कॉसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3.6, देखो तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है क्या, हाँ एग्जैक्टली यही पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6। तो ऐसा बनाना था, ऐसे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैं तो सबको इंक्लूड करूं ना करूं ऐसा सोच रहा था, फिर जितने हो सके थे मैं सबको इंक्लूड किया हुआ हूं। तो अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए सबको बना बना के ऐसे ही देखते रहते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है ये, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। चलो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है, और यहां पे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है और इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन में बताया था, बहुत समझा चुका हूं पहले ही, ऐसा 0 दोनों सेम है, थीटा थीटा दिया हुआ है और ये 0 आया हुआ है, ठीक है, या 2 आया हुआ है या जो भी वैल्यू आ रहा है, तो टेबल से हम लोग को मैच करना होता है, ठीक है। तो टेबल से मैच करेंगे यहां पे, तो आपको दिखाई देगा साइन थीटा और कॉस थीटा जो है 45 डिग्री में क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, 1/√2 आता है, तो 1/√2 दोनों माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो कहने का मतलब क्या यूज किया हुआ है, ये थीटा इज इक्वल टू 45 यूज किया हुआ है, तो इसके जगह भी हम लोग क्या रखेंगे, 45 रखेंगे। ध्यान से सुनेंगे, सुनना ही है, सॉल्यूशन तो कुछ नहीं, ठीक है। तो साइन 45 यहां पे, कॉस 45 और टेन 45, क्योंकि 45 थीटा इज इक्वल टू हमको पता चल गया, ठीक है। तो साइन 45 यहां से क्या आता है, 1/√2, तो 1/√2 टू द पावर 4 ये कर लिए, ठीक है। कॉस 45 फिर से 1/√2 होता है, ये टू द पावर ये 4 हम लोग कर लिए, और टेन 45 क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर ये लिख लिए, ठीक है। तो 1/√2 टू द पावर 4 ये हो जाएगा 1/4, और वैसे ये क्या हो जाएगा, फिर से 1/4 प्लस 1, 1/4 1/4 और ये 1, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, देखो ये 4 है, ये 1 प्लस 1 प्लस ये 4, ऐसा कर लिए हम लोग, कितना आ गया ये 6/4, जो कि बराबर है 3/2 के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए थे। चलिए अब यहां देख लेते हैं, यहां पे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और कॉस टू द पावर 4 ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये इसके बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ए थीटा, मैं थीटा को जब भी बताता हूं फॉर्मूले को, थीटा का फॉर्मेट बताता हूं, आप लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, मैं थीटा लिख रहा हूं फिर से, ये ए ऐसा हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। अब इसमें इसको रख देते हैं, साइन ए को रख देते हैं, चलो देखते हैं इसके जगह सीधा सीधा ये है, ये साइन स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसके जगह पे, और ये इसी के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, ये साइन ए रख लिए। कुल मिला के ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पहले जैसा ही आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, तो इसका वैल्यू भी पहले जैसा ही आएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है, ऐसे ही इसको बनाना है।
अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, सबको एक एक करके बना बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। यहां पे सब दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमको निकालना है, और यहां पे ये दिया हुआ है और इसमें एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। जो एक्स दिया हुआ है इसका वैल्यू हमको निकालना है, और ये जो कंडीशन दिया रहेगा ये हमेशा दिया रहेगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुल मिला के इसका वैल्यू 0 से 90 के पास होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं, ये साइन स्क्वायर 60 है तो 60 डिग्री का मान हम लोग सीधा सीधा रखेंगे रूट 3/2। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, रूट 3/2 ये होल स्क्वायर कर लिए, ठीक है, होल स्क्वायर कर लिए, प्लस कॉस 30 अगेन रूट 3/2 होता है, ये रूट 3/2 कर लिए होल स्क्वायर। कॉट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ये सब आपको याद होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूं। सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो ये 2 स्क्वायर ये कर लिए हम लोग, ठीक है। अब फिर देखो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3/4 हो जाएगा, ये भी 3/4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको ऐसा कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये 4 है, ये हो जाएगा 3 + 3, और ये 4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाता है, और ये 16/4 हो जाएगा, ये फिर से 4 आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, ये 16/4 कितना हो गया 20, और ये 26, 26/4 ये 13/2 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको चलते हैं, ये बहुत इजी है, बस इसको ध्यान से हमको सॉल्व करना है। देखिए ये 3 sec स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan² x, क्या लिख सकते हैं 1 + tan² x, ये ऐसा लिख लिए, -2 tan² x। ऐसा क्वेश्चन भी एक दो नहीं बहुत सारा पूछा गया था, उसमें से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन को लिया हुआ हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 3 + 3 tan² x -2 tan² x, ये x इज इक्वल टू 6, ये ऐसा हो गया। अब देखो 3 tan² x -2 tan² x, तो क्या बच गया, ये 10² x, और ये उधर जाकर ट्रांसफर हो जाएगा ये 3, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 10x मैं क्या लिख सकता हूं, √3, क्या लिख सकता हूं, 10x इज इक्वल टू √3 लिख सकता हूं, और x का वैल्यू √3 कितना में होता है, तो वो है 10 60 डिग्री में होता है, तो x इज इक्वल टू कहां से कितना आ गया 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है, ऐसा क्वेश्चन एक नहीं दो नहीं बहुत सारा आया हुआ था, तो एक समझ लीजिए तो आप पूरा का पूरा बना सकते हैं। वैसे 2-3 क्वेश्चन जो भी मेरे पास है सबको मैं बताऊंगा। चलिए यहां पे 3 क्वेश्चन मैं लिख लिया हूं, देखते हैं जगह एडजस्ट होता है तो। यहां पर 10 थीटा इज इक्वल टू 5/6 दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक तरीका यह है जो मैं इसमें अप्लाई करूंगा, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि जो ज्यादा इजी है उसमें बता रहा हूं। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा cos थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये 12 का मैं 12 लिखा हूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है, तो मैं 10 थीटा लिख लिया, ठीक है। माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो ये 5, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नीचे चलेंगे, यहां पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा फिर से ये 10 थीटा, और ये प्लस 5 हो जाएगा। कहने का मतलब मैं इसको कॉस थीटा से डिवाइड किया हूं, क्योंकि मेरे को 10 थीटा का वैल्यू पता है 5/6, उसी को यूज करने के लिए मैं ऐसा किया। अब आगे चलेंगे तो ये 12 × 5/6 - 5, 12 × 5/6 कहां से आ रहा है 5/6, देखो यहां से आ रहा है 10 थीटा का वैल्यू प्लस 5, ये ऐसा कर लिया। ये 6 × 12 10 - 5, ये ऐसा आ रहा है, और ये कितना हो रहा है 10 + 5 आ रहा है, ये आ जाएगा 5/15 जो कि 1/3 के बराबर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बनाना है इसको, इसमें देखेंगे इसमें 10 थीटा इज इक्वल टू 4/3 है। इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, देखो ऐसा होता है ट्राइंगल, 10 थीटा क्या होता है अल्टीट्यूड, मतलब ये 4/बेस, मतलब ये 3, ये थीटा है, ठीक है, यहां थीटा रहेगा। पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4² + 3² 16 + 9 = 25, 25 का रूट ये 5, मतलब ये 5 आ गया, ये याद हो जाता है कभी कभी, ये 5 हो गया। तो देखो साइन थीटा अल्टीट्यूड मतलब ये बाय हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है, और ये बेस मतलब आधार है जो है, और कर्ण हाइपोटेन्यूज, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 7/5, ये हमारा आंसर है। ऐसे इसको बनाना है, बहुत इजी है ये, आप चाहे तो इसको भी वैसे ही बना सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से ज्यादा इजी लगा।
अब इसको बना के देखते हैं, ये थोड़ा सा दिया हुआ है, टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस टू, ये रूट के अंदर में नहीं है, बाहर में ही है, आपको वैल्यू निकालना है टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा का। तो टेन अल्फा तो यहां से सीधा सीधा दिख रहा है, उसी को मैं वैल्यू रख लेता हूं, रूट फाइव माइनस टू ये रख लिया, माइनस कॉट अल्फा, कॉट अल्फा क्या होता है, वन अपॉन टेन अल्फा, क्या होता है, वन अपॉन टेन अल्फा, तो वन अपॉन रूट फाइव माइनस टू, ये ऐसा कर ली हम लोग, ठीक है, बस वही किया हूं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ऐड होगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा रूट फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर, मतलब फाइव प्लस फोर माइनस टू इंटू टू, फोर रूट फाइव, ये ऐसा हो जाएगा माइनस वन। देखो ये सब खुद करेंगे, मैं तो कॉन्सेप्ट बताया हूं, ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का खुद करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा रूट फाइव माइनस टू, रूट फाइव माइनस टू। अब देखो आगे कैसे करेंगे, ये इसको इससे माइनस करेंगे, तो पांच चार नौ हो गया पहले से, ये ऐसा पहले कर लेते हैं, ये नौ उसमें एक गिर आठ, एट माइनस फोर रूट फाइव डिवाइडेड बाय रूट फाइव माइनस टू, ये मैं वैसा सॉल्व करके लिखा हुआ हूं, ठीक है। यहां से यदि मैं माइनस फोर को कॉमन लेता हूं, माइनस फोर को कॉमन लेता हूं तो अंदर में क्या बच जाएगा, देखो माइनस फोर को कॉमन लिया हूं, ये हो जाएगा रूट फाइव, और इधर से बचेगा माइनस टू, ठीक है, रूट फाइव माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा आपको, ये रूट फाइव माइनस टू नीचे में है, दोनों हो गया कैंसल, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस फोर। इसको ऐसे बनाना है, ठीक है, तो ये इजी है, ऐसे ही इसको बन सकते हैं। यहां पे देखो, यहां पे तीन क्वेश्चन हो गए, ये एक दो और इधर ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन रहता है ट्रिग्नोमेट्री का, दिखता बस बड़ा है, रहता कुछ नहीं, छोटे छोटे सॉल्यूशन रहता है, एक आध दो बड़ा हो जाता है। अभी और प्रैक्टिस कर करके देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझेंगे। इसमें हमको cos 5, cos 10 ऐसा करते, cos 15, 20 ऐसा करते करते ये 90 तक चलेगा, स्क्वायर में है ये, सब स्क्वायर में है। इसका वैल्यू हमको निकालना है, बहुत ही ध्यान से समझना है इसको। देखो यहां पे cos स्क्वायर 5 डिग्री है, ठीक है, cos स्क्वायर 5 डिग्री को मैं cos स्क्वायर 5 ऐसा लिख लिया। आगे चलेंगे इसमें तो यहां पे cos स्क्वायर 85 आएगा, क्या आएगा, cos स्क्वायर 85 आएगा, इसको पास में लिख लिया, चलो cos स्क्वायर 85 ये आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा करके एक पेयर बना। और ये देखो cos स्क्वायर 10 है, ये cos स्क्वायर 10 है, आगे चल के क्या मिलेगा हमको, cos स्क्वायर 80 मिलेगा, ये मिलेगा आगे, ऐसा चलते चले जाएगा, ये ऐसा पूरा चलते चले जाएगा। बीच में हमको cos 45 भी मिलेगा, ये स्क्वायर है, सब जगह यदि मैं स्क्वायर भूल जाता हूं देखेंगे, ये cos स्क्वायर 45 है, और ये cos स्क्वायर 90 को cos स्क्वायर 90 लिख देते हैं, ये cos स्क्वायर 90 डिग्री, ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि ये सब फॉर्मूला में एडजस्ट होगा, कैसे होगा देखेंगे, ठीक है। अभी देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 5 डिग्री है और cos स्क्वायर 85 है, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है, तो cos स्क्वायर ये 5 डिग्री है, ये cos थीटा है, इसको मैं cos 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकता हूं, इसको cos 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है, स्क्वायर में उसको छोड़ो भी, 90 माइनस 5 डिग्री, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, sin 5 डिग्री, ये ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, ठीक है। ऐसा मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं पहले ही, वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं, ये cos स्क्वायर 10 है तो इसको हम लोग sin स्क्वायर 10 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये ऐसा पेयर ये बन रहा है, ठीक है। प्लस आगे चलेंगे, ये cos स्क्वायर क्या है, 45 है, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर लिए, और cos 90 जीरो होता है तो जीरो का स्क्वायर छोड़ दो, ऐसा कर लिए हम लोग, ठीक। अब ये देखेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1, समझाने के लिए, ये बनाने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो ऐसा कितने बार 1 आएगा, ऐसा कितने बार 1 आएगा, उस चीज को हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो यहां पे 5, 10 ऐसा करते करते ये कहां तक चलेगा, 85 तक चलेगा, कहां तक चलेगा वो, 85 चलेगा, बीच में ये 45 उसको अलग कर दो, तो ऐसे कितना पेयर बनेगा वहां पे, कितना पेयर बनेगा, 16 पूरे के पूरे आएंगे ऐसे करके, और 8 पेयर बनेगा, 16/2 कितना पेयर बनेगा, 8 पेयर, और एक जो छूट जाएगा वो cos 45 है, मतलब 17 टोटल आएंगे, आप देख सकते हैं 17 टोटल आएंगे, 8 इधर 8 उधर, और बीच में जो बचेगा वो है cos स्क्वायर 45।
आप इसको जमा के देख सकते हैं, खुद पूरा कॉपी में जमा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो कितना पेयर बना? 8 पेयर बना। तो 1+1+1 ऐसा करते करते वो कितने बार चलेगा? 8 बार तक चलेगा। तो इसका टोटल एडिशन कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8 प्लस ये 1/√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन के अनुसार जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके हिसाब से 8 1/2 इसका आंसर है। 8 सही, 1/2 आंसर। तो इसको ऐसे बनाना है। इस टाइप का मेरे को एक ही क्वेश्चन मिला, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसको ध्यान से समझाया हूं। अब समझने का प्रयास करें, एक बार नहीं बनता इसको पूरा एक्सपेंड करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये तो साइन 90 माइनस थीटा का यूज क्या है, फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आप किसी में भी जमा सकते हैं, इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन था, पूरा बोर्ड में बताने के लिए इसको एक ही क्वेश्चन को रखा हो, अभी और बना के देखते हैं। चलो यहां पे दो क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 और इसका वैल्यू हमको निकालना है। इजी है, इसको बना के देखेंगे अभी। साइन थीटा यानी कि ऐसा होता है कुछ, ये देखो अल्टीट्यूड 3 और ये हाइपोटेन्यूस 4, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो बेस है ये क्या हो जाएगा सीधा सीधा यहां पे 4² - 3² ध्यान देंगे इसको, 4² - 3² ठीक है। ये 16 - 9 कितना हो जाएगा यहां से? √7। रूट ओवर क्या आ गया? 7 आ गया। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू रखते हैं, ये 16 cos² थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये √7/4² ठीक है। tan थीटा अल्टीट्यूड बाई बेस 3/√7² ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इसको वैल्यू रखा हुआ है, ये तो बहुत बेसिक है, पहले पार्ट में बता चुका हूं, ठीक है। 16 × 7/4 का स्क्वायर कर लेंगे, ये 16 आ जाएगा, ठीक है। और 9/7 ये और ये कैंसल हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, ये कितना हो जाएगा? 7 × 7 49 +9/7 यह आ जाएगा 58/7 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है, इजी था ये। ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, उसी के आधारित, उसी पे आधारित इसको बनाना है। तो sec स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1+10² x लिख सकते हैं, ऐसा मैं बता चुका हूं। माइनस ये 10² x है इज इक्वल टू 11, ठीक। तो ये 8+8 10² x - 7 10² x इज इक्वल टू 11, ये दिया हुआ है, ऐसा कर लिया हम लोग। ये हो जाएगा 10² x 10² x, ये उधर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। 11 - 3 कितना हो जाएगा? 11 - 8 ये हो जाएगा 3। फिर से वैसा ही सिचुएशन आ गया, तो 10x इज इक्वल टू √3, 10 का वैल्यू किसमें √3 होता है, तो x इज इक्वल टू यहां पे 60 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे बनाना है, इजी था ये, ऐसे ही इसको बनाना है। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आया है, आप इजीली बना सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। यहां पे x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, x की जगह में जो दिया है वैल्यू रख लेते हैं, y की जगह में जो दिया है वैल्यू रख लेते हैं, x की जगह में इसको रख लेते हैं, चलते हैं। ये हो जाएगा a² मैं पूरा स्क्वायर कर लिया ना एक साथ, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और नीचे में एक्स ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रख लिया। यहां से वाई स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पे देखो ये हो जाएगा b² और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये b² में कॉमन रख लिया, नीचे पे रख लिया, ठीक है। तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, मैं कैंसिल कर लूंगा, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा ऐसा कैंसिल हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं इसको ओपन कर रहा हूं, प्लस 2 a भी है, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही आगे चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा, कौन कौन से फॉर्मूला में ओपन किया? a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ओपन किया हूं,
ठीक है, इसका वैल्यू होता है वन, इसका वैल्यू होता है वन, ये सब कैंसल हो गया और वन प्लस वन टू आ गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टू, इजी है। ठीक है, इसको लेकर चलते हैं। अब देखो टेन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है हमको, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो या तो आप जैसा मैं बताया था ट्राइंगल वाला जो तरीका उसमें रख सकते हैं, या दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। देखो ये क्या है ए और ये प्लस बी, और ये क्या है ए, ये माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये ऐसा हो जाएगा। वैसे ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ये ऐसा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और टेन ए का वैल्यू है 3/4, तो टेन ए का वैल्यू 9/16, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 9/16, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा दो क्वेश्चन और है उसको भी बना के देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये जो पिछला क्वेश्चन हमने अभी देखा है वैसा ही है, इसमें जो बीच का दिया हुआ है वैसा ही है। क्या है, एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन था, दूसरे शिफ्ट में वैसा क्वेश्चन था, ऐसा ऐसा करके रिलेटेड क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टेन ए 3/4 है, तो इसको मैं क्या बताया हूं थोड़ी देर पहले, इसको 1/2 को 1/2 हो गया, थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया हूं, ये क्या हो जाता है सीधा टेन स्क्वायर ए, इसको सॉल्व किए थे हम लोग, टेन स्क्वायर ए आ रहा था, तो टेन स्क्वायर ए माइनस वन, वैसा ही लिख लिए। ठीक है, कैसे आ रहा था देखेंगे, जस्ट पहले है 1/2 टेन स्क्वायर ए, मतलब क्या हो जाएगा यहां से 9/16 हो जाएगा, और ये माइनस वन। ठीक, डायरेक्ट ही वैसा कर लेंगे, और ये 16, ये 8 टाइम्स, और ये 9, और ये माइनस 16 टाइम्स, ये कितना आ गया यहां से 1/16, ये हमारा आंसर है। देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन ही आया हुआ था एग्जाम में, ये जो देखो ट्रिग्नोमेट्री का तो है, दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये रेशियो का क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है, सीधा साइन ए की जगह में इसको रखना है, कॉस ए की जगह में इसको रखना है, और आंसर बना लेना है। तो 7 × 4, ठीक है, माइनस 3 × 7, ये वाला 7 ना, उसके बाद 7 × 4 प्लस 2 × 7, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 28, 21, और ये 28 + 14, ठीक है, ये हो जाएगा 7, और नीचे आ जा रहा है 42, 6 × 7 = 42 होता है, 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बनाना है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन था। देखो एग्जाम में तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन मैंने जब देखा कि कुछ इसी टाइप से ही क्वेश्चन हुआ है, बार बार थोड़ा सा बस घुमा रहा था, देखो जैसे इसमें उस क्वेश्चन में इसी हिस्सा को लिया है, इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वैसे वैसे ही करके लिया था, तो बाकी क्वेश्चन जो भी है आपसे बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी इस पेपर को यहीं तक रखते हैं, मैं देवेश आप लोगों के लिए ऐसे ही लेसन लेके आता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहिए, और आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल छोड़ सकते हैं कि किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको नहीं समझ में आता है तो नेगेटिव कमेंट्स करके चल देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव की अपेक्षा नहीं कर सकते, आपको जो भी इच्छा है लिख सकते हैं। थैंक यू।